हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको दोस्त स्वागत है न्यूज़ विद आईएएस में। और दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली जिन स्टूडेंट्स ने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए आवेदन किया है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो में अंत तक बने रहें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीएड और डीएलएड एडमिशन के साथ साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, इसके साथ साथ यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि सभी लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो आपको समय पर मिलती रहे। इसके साथ इस वीडियो को आप अपने अदर फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की न्यूज। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, बीएड प्रवेश परीक्षा 25 जुलाई तक आएंगे प्रवेश पत्र। जी हाँ दोस्तों, आपके जो एडमिट कार्ड हैं इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, वो 25 जुलाई तक लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज़ कर दिए जाएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, आज दिनांक 19 जुलाई 2020 की ये न्यूज है। आप इसे लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आसानी से रीड कर सकते हैं। 9 अगस्त को प्रस्तावित बीएड प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र आगामी 25 जुलाई तक जारी कर दिए जाएंगे। इसको लेकर लखनऊ यूनिवर्सिटी ने तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रयास किया गया कि अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा देने के लिए ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स को भी इस बारे में जानकारी मिल सके। इसे देने के लिए गृह जनपद में ही परीक्षा केंद्र बनाने की कोशिशें की गई हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए 4.31 लाख से अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया है। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 1089 केंद्र बनाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार सिर्फ राजकीय और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को ही केंद्र बनाया जा रहा है। प्रवेश राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि कोरोना को देखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्थाएँ की गई हैं। केंद्र पर सैनिटाइजेशन प्रभारी तैनात किया जाएगा। थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जा रही है। थर्मल स्कैनिंग और अन्य औपचारिकताओं में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों को 1 घंटा पहले रिपोर्ट करना होगा। सो फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स भी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका इंतज़ार जो है वो 25 जुलाई को समाप्त होने वाला है। जैसे ही एंट्रेंस एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, आपको हमारे चैनल पर पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।